नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त होंगे। दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखना मेरे दोस्तों। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, जो भी भाई बहरीन में आना चाहता है तो किस तरह से आएगा, और वहाँ से अगर कोई एजेंट भेज देता है तो यहाँ से कैसे रिसीव करेंगे। तो अगर ये वीडियो स्क्रिप्ट कर देंगे तो आप लोग को नहीं मालूम आएगा कि यहाँ पर कैसे रिसीव करना है और कैसे आना है और यहाँ पे एयरपोर्ट में क्या कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो मेरे दोस्तों पूरा देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर जरूर करके बताना मेरे दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि बहरीन में आना है तो किस तरह से आपको आना है और क्या काम करना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो वीडियो में बने रहना मेरे दोस्तों, वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ से जब आप लोग को एजेंट भेजेगा, टिकट सब कुछ अपना ले लो, भेजेगा एजेंट, तो इस एजेंट पे भेजने के बाद जब यहाँ बहरीन एयरपोर्ट पे आएंगे आप, तो बहरीन एयरपोर्ट पे जब आएंगे तो कोई रिसीव करने जब आपको जाएगा, कोई रिसीव करने जाएगा तो या आपका नाम से आवाज़ देगा या फिर कोई बोर्ड लिया रहेगा, या फिर वहाँ पे एजेंट ही आपको बोल देगा कि एक लाल कैप लगा लेना या कोई भी मतलब निशानी दे देगा। और वहाँ से निकलने से पहले दोस्तों मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे आना यहाँ का भी नंबर ले लेना और वहाँ का भी एजेंट का भी नंबर ले लेना, क्योंकि कभी कभी कोई आंसर नहीं करता है तो नंबर रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद आसानी से आप बात कर सकते हैं। और दूसरी बात और बता देता हूं दोस्तों कि एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा सिम आप डाल के नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, और एयरपोर्ट में वाईफाई होता है, वाईफाई आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, कोई पासपोर्ट नहीं होता है, एयरपोर्ट का पास वाईफाई फ्री होता है। तो वहाँ पे आएंगे, वाईफाई फ्री करके घर में अपना कॉल कर सकते हैं, घर में बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ आराम से। तो यहाँ पे बताने के बाद में आप लोग को अंदर आएंगे, जो भी भाई लेने के लिए गया रहेगा तो उसको आप उसके साथ बात करके आराम से आ जाएंगे। तो जिस काम में आएंगे काम को भी अपना फाइनल कर लेना कि कौन से काम में आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का लोकेशन ऐसा ही था, कुछ एक गार्डन में घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है आप लोग को बता दूँ और शेयर कर दूँ। और वहाँ पे सिम कौन सी मिलेगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको STC मिलेगी या जैन मिलेगी, या दो सिमों में से एक सिम फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसमें रिचार्ज आपको रहेगा, 3 से 4 दिन का रिचार्ज रहेगा, कहीं पर बात कर सकते हैं आराम से और यहाँ पर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर जरूर करके बताना मेरे दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताना मेरे दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।